नंबर चैप्टर जिदा टाइटल है यहावा उत्ते भरोसा आमी। अज का जो संदेश है ये नौजवानों के वास्ते है, जेडे जंग है उन्होंने वास्ते। नौजवानों प्रभु की सिखाता किस तरीके असी परमेश्वर की हजूरी में बैठना, किदा होना और परमेश्वर किदा सानू प्यार करता। किसी ने कढ़िया पिछली साइड तो सिलेमान दी कहावत, उदा तीन नंबर एक आयत तो लैके सात आयत तक पढ़ांगे। हे मेरे पुत्र, तू मेरी तालीम नू ना भुल, सगो अपने चेत नाल मेरे हुक्मां नू मन, क्यों जो ओह उम्र दी लंबाई जीवन दे वरे अते शांति तेरे लई वधाउणगे। दया अते सच्चाई तेनू ना छड्डण, उन्हां नू अपने गल दे दुआले बन लै, उन्हां नू अपने मन दी तख्ती उते लिख लै, तां तू परमेश्वर अते आदमी दियां नजरां विच कृपा अते नेक नामी पाएगा। अपने पूरे दिल नाल यहोवा उते भरोसा रख अते अपनी ही समझ उते इतबार ना कर, अपने सारे राहां विच ओहनू पछाण अते ओह तेरे मार्गां नू सिद्धा करेगा। तू अपनी निगाह विच बुद्धवान ना हो, यहोवा दा पै रख अते बरियाई तो लंबे रह। हालेलुया, इन्हें लोगों को समझ लगी है, समझ आई कि नहीं भाई? वेखो प्रभु का वचन की सिखा रहा। सब तो पहला इहदे विच आपां की सिख्या, प्रभु का दास सुलेमान की सिखा रहा कलीसिया नूं। इह कल्ले जवानां लई वचन नहीं, साडे सारिआं वास्ते आ। की कह रहा? हे मेरे पुत्र, तू मेरी तलीम नूं ना भुल। तलीम किहनूं कहिंदे आ? प्रभु दे वचन नूं। अगे लिखा, सगो तू अपने चित नाल मेरे हुक्मां नूं की कर। हालेलुया, चित ला के असीं प्रभु दे हुक्मां नूं की करना? जे तुसीं चित ला के मन ला के पूरी रीझ दे नाल, मान लो तुसीं कोई भी घर च कम करदे, तुसीं घर बनाउंदे पूरी रीझ नाल बनाउंदे, इस तरह के बाथरूम होने चाहिए आ, इस तरह की लोबी होनी चाहिए आ, हाँ इदां होना चाहिए, क्योंकि तुसीं पूरी रीझ दे नाल अपने घर नूं की करदे, बनाउंदे कि नहीं बनाउंदे? प्रभु ने आख्या सगो अपने चित नाल मेरी हुक्मां नूं, कहिंदा मतलब कि मेरे वचनां नूं, मेरे वर्ड ऑफ गॉड नूं चित ला के की कर। इधर ध्यान दो, चित ला के मन। प्रभु ने अगे की आख्या, क्यों जो ओह तेरी उम्र की लंबाई ते जीवन दे वरे की करेगा अते शांति तेरे लिए की करेगा। पहले नंबर ते उम्र वड्डी होएगी, उम्र की लंबाई बढ़ेगी, जीवन के वरे बदलेंगे, तो पूरी जिंदगी प्रभु तुहानू शांति की करेगा। कदे ना ताली मारती, पता नहीं लगा कि नहीं लगा ताली कड़ी गलो मारी भी जी दसो। पहले नंबर से जेडे बाइबल नहीं ना पढ़ते तो प्रभु कहंदा कि मेरी तलीम नू ना भुल, पहला नंबर एक। दूसरा, प्रभु ने कहा अपना चित, सगो अपने चित ला के मेरे हुक्मां नू की कर। हुक्म की आ? प्रभु दे वचन जो प्रभु दे दास सिखाउंदे उहनां नू मनणा। अगे लिखिआ, क्यों जो ओह उम्र दी लंबाई ते जीवन दे वरे ते शांति तेरे लई की होणगे वधणगे। आमीन। हुक्म मनण दे नाल ही शांति होणी आ, हुक्म मनण दे नाल तुहाडी लौंग लाइफ होणी आ। ते जे तुसीं लौंग लाइफ चाहुंदे तो फिर प्रभु का वचन पढ़ना शुरू कर दो, चर्च आना शुरू कर दो, तो लड़ाइया झगड़े करने बंद। किन्ने लोगों को समझा लिया? किन्ने लोग चाहते ने उम्र की लंबाई बधानी? क्यों भाई? पिछे एक भैन हथ ला दी, उन्हें कली नहीं लगती उम्र बधानी, बाकी तो सहारा लोड़ ही नहीं। उम्र के वरे कितों बदनगे? जो रोज तेजे हाथ में बाइबल होएगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? चुगली करन दे नाल नहीं उम्र की लंबाई बदनी, घटनी है। घटूगी कि वधूगी? बोलो हाँ। पहले नंबर ते आपां प्रभु की तलीम नू नहीं भुलना, सगो दे हुक्मां ते चित लाउणा, मन लाउणा। फिर प्रभु ने कहा मैं तेरी उम्र की लंबाई नू वधावांगा। जो मौत की आवाज आती ना, तू मरन वाला, तो फिर उस वेले दिल अद्धा था, अद्धा अद्धा सा लत्ता नहीं तो अद्धा सा था। हुण प्रभु बोल रहा वा कि किन्ने लोग चाहते उम्र की लंबाई वधाउणा, तो कोई भी निक्के भैन लिया तगड़ा।
ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾ ਘਰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਕੀ ਵਚਨ ਬੋਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਖੋਲ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਾਤ ਦੀ ਝਿੜਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ अगली साइड से लिखिया जो तुम वचना से चलोगे प्रभु ने कहा दया सच्चाई तेन ना छन उन्होंने अपने गल के दुआले बन लै उन्होंने अपने मन दिया तख्तिया की कर ला लिख लै आमी जो तुम चंगे काम करोगे प्रभु तो तुम इज्जत देगा देगा पर जो ते चंगे काम हो गए तेरी चार च लिखा तू परमेश्वर आदमियों की नजर भी कृपा से नेकनामी की करेगा समझ आई गई आई समझ आई प्रभु ने कहा जो तू मेरे काम करेगा तू चंगे काम करेगा बाइबल पढ़ेगा गवाइया देगा आप बचा दूसरे नु बचावेगा तो प्रभु ने कहा मैं तो तेरी इज्जत करांगा बाहर के लोग भी जेडे वो तेरी भी इज्जत किया समझ आई कि नहीं आई तारीफ क्यों नहीं तुम करते हालेलुया अगली साइड से लिखा लिखा अपने पूरे दिल ना यहोवा उते भरोसा रख अते अपनी ही समझ उते तबार ना कर करनी ना कर सारे बोलो ना कर अज बहुत सारे आंदे मेरे नाल दा अगला वाला कोई नहीं तो प्रभु ने की बोलिया प्रभु ने कहा अपनी समझ दे अपनी अपनी ही समझ उते तबार अपने सारे राहां विच ओनू की कर पहचान अते ओ तेरे मार्ग नु सिद्धा किया कौन करेगा मंत्री करेगा कोई कणक नहीं इस बार मिली हुण कित को लईए परची किन्ना चिर देणगे कणक क्योंकि वेखो मेरे जीजो परमेश्वर नु हर एक दा फिक्र है कि लोग जानते इस गल जो तुम प्रभु का वचन देखते मैथी जो छे पढ़ते उ लिखे पंछियों वाल वेखो ना बीज दे ना कत दे ना ही भड़ोलिया कट्टा प्रभु उन्होंने भी किया दिता कि नहीं फिर आप टेंशन कड़ी गल दी रहनी अज के लोग टेंशन टेंशन आ अपने जीवन चो हर एक निराशा को डांट दो सिर प्रभु ने मैनू कह लो आज खुदा दी आ रही शैतान बहुत बोला सेवा छड़ दे सेवकाई रहन दे ना कर मैं कहा मैं सेवकाई क्यों छड़दा मैं बेस्ट हाँ मैं वधिया चल रहा मैं सेवकाई क्यों छड्डा वे कहिंदा सेवकाई छड़ दे मैनू प्रभु की आवाज आई इन जो कहिंदा कहन दे नू तेरे घर की मैनू फिक्र आ तेरे घर की एक एक चीज़ की मैनू फिक्र आ मैं करांगा मैनू पता वा मैं कहा बस आवाज आ गई आमीन हुण ते होर ज़्यादा वधिया आपां काम किया करांगे क्योंकि जब तक बाइबल ते आवाज नहीं आ तो तुसी पूरी जिंदगी भुलेखियां च रहोगे आमीन हुण की करना अपनी समझ ते इतबार है कदे नहीं कहना मेरे नाल दा अगला वाला कोई नहीं उत्थे समझ लो तुहानू प्रभु मूर्ख बना देगा अगली कहा तू अपनी निगाह विच बुद्धवान ना हो सगो यहोवा दा पैर रख ते बुराई तो की कर भैणो तुसी बोलो मैं की बोल के गया तू पढ़ी जरी लास्ट वाली यार गर्मी बहुत ज्यादा तो सही गल नहीं पता नहीं जान दिया हाँ हाँ तू अपनी निगाह पढ़ता फिर अज कहीं लाता ही ये किने लाया अज चिट्टा पढ़ता किने लाया चिट्टा पढ़ता अंकल प्रगटूंगा अंकल प्रगटूंगा प्रगट नु लिया जरा पढ़ के थे अगले बने जो एक मिनट प्रगट नु आवाज मार के लिया जरा मारी मारी आवाज जरा इन मोदन क्या भी इस साइड से चिट्टा पड़ता लेना इतने होर पड़ता लाया करो कलर कूलर पूरा डिजाइन पाया करो उपर इस साइड से मैं खिलौना होंगे इधर बार बार मैं खिलौना होंगे इतने फोटो बेकार जी आती कहीं कम की फोटो नहीं आती तीन पाँच सौ रुपये जुर्माना पै गया जी हाँ चल अपनी रोटी दे जो कहीं तैयार होना इधर साइड से पड़ता चिट्टा नहीं लाना अपनी गल च लिख के पा लो सेवा परमेश्वर की मेरी नहीं आ मैं भी नौकर हाँ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੱਚੇ ਪੀਟੋ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੜਦਾ ਫਟਿਆ ਲਵਾਂਗੇ ਗੰਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਾਈਟ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਜਾਮ ਨੂੰ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਪੜਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਆਹ ਵੇਖੋ ਗੰਦਾ ਪੜਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਵੇਖੋ
बहुत सारिया भैन साढ़िया नागा दस गुगलों के मिट्टी झाड़ते कोई नहीं आने के कोई लीड़े धो के कुछ नहीं चादर चिट्टिया बेकार पेर कहते बोलता हर संडे बोलना बुलाते दे आप अपने घर दीजा कि माज माज के रखते आप ये प्रभु के घर का प्या नहीं लगा। और दूसरी अनाउंसमेंट मैं वचन तो बाद हाँ एक लास्ट ऐत पढ़ दी फिर मैं करता तू अपनी निगाह विच बुद्धवान ना हो। परमेश्वर कह रहा कि तू जिन्ना मर्जी अकल वाला वा परमेश्वर दे अगे मूर्ख बन के लोग समझते हैं परमेश्वर दे अगे की बन मूर्ख बन फिर तू बुद्धवान बनेगा तो जेड़ा कहता मैं बड़ा अकल वाला मेरे नाल अकल वाला कोई नहीं समझ लो प्रभु नूं मूर्ख बना देगा तू अपनी बुद्ध विच की बन। मैं बैल से फोटो लाउनिया भी एक बुराई आ किसी बेवकूफ बनाना भी बड़ी वड्डी बुराई आ क्योंकि जो तुसी आ गए तुसी होर हो। हाँ दूसरा नंबर जी मैं गल कर जा रहा चर्च दिया दरिया चर्च के भांडे भैन भरा गुस्सा ना करो कोई किसी ने गुस्सा नहीं करना क्योंकि वेखो जी चर्च की चीज़ वो चर्च च रहेगी घर नहीं जाएगी किसी दे ठीक है क्योंकि घर चीज़ा रखने के बाद देंगे नहीं है। पहले नंबर से वेखो तो आप समझदार जे जे आप चर्च की चीज़ लिया के मीटिंग करा ली है सब कुछ चर्च का लाता पैगे जेब च रह गए तो मीटिंग किन्नी की चर्च ने ताे को किया समझ आ रही कि नहीं आ रही चर्च दिया दरिया चर्च दिया चाननिया चर्च का ही लाता मीटिंग ने चर्च ने कर दी आपा कर लो को दिता तो खैर कराता प्रभु ने क्ढन वास्ते तुम मीटिंग कर ली गया भी अपने घर का जो कुछ करना तो कट जेब चो ला डॉक्टर को बाद किन्ने लोग समझ रहे हैं कोई भी घर च मान लो कोई काम करते तुसी कोई भी चीज़ लैनी है सीधी टेंट तो लियानी है चर्च की नहीं कोई चीज़ घर करनी गुस्सा ना करो क्योंकि देखो ये चीज़ा दे रहे हैं हर चीज़ लभन नहीं दी है कोई पता नहीं चीज़ कितने पई है फिर एडे सैने आडे भैन भरा घर रख छड़दे आ दे के नहीं जानी है ना साफ नहीं कोई करना आता चीज़ा कोई छोटा जा प्रोग्राम फस्ट जी दे दो 200 थाली दे दो इन्नी थाली तुम टेंट में जाके 200-400 दोगे मान लो तो 500 देना तो 250 दे दो ये फ्रीज तो लैके चल जाते की देन दे चर्च में आप हूँ भैन भराई जगह से अगर जिन्होंने थाली 400 थाली उस हैगी स्टेज जगह से बैठी है वह भैन हरी वाली कितने खड़ी हो जाए भैन तो कितने हाँ खड़े हो ऐ देखो भैन इन्हें पूरा तोड़ा 400 थाली किन्नी थाली किन्ने गिलास किन्ने चमचे दिते आ बरकत किनू मिलनी आ इहदे वल हत्थ करके तालियां मारो बरकत किनू मिलनी आ बोलो सियाणे बनो इहनू कुछ वधाउणा वा ते फिर थोड़ी जेब ढिल्ली करनी पैणी है हुण आ मीटिंग वाले दिन ते कईआं ने चौल खाधे नहीं वधा वधा के प्लेटां चो तां नहीं खाणे ते ना खांदे उहनां नूं प्लेट उत्ते प्रेयर होई आ प्रभु के खाने से प्रेयर हो जाती वह पवित्र हो जाता जो फिर नाले च सुटोगे तो खुदा खुश है तो शायद खुश होना जो जाके फुटपाथ के थले वेखो जिन्होंने बेचारे दो दो दिन तो रोटी नहीं मिली तुम तो घर भी मिल गया छत भी मिल गई सब कुछ मिले तभी उन्हें को है ही नहीं साढ़े को है ही नहीं साढ़े को है ही नहीं समय लग रही कि नहीं लग रही गुस्सा नहीं करना तेरे घर कोई भी प्रोग्राम होना थालियाँ खड़निया वह चार्ज लगेगा क्योंकि वह पैसे अगे होर चीज़ा बनाई की आ समय लगी ना तो जो पहलिया घस घुस के टुट गया हो गया तो उत्ते तो उत्ते रह गया काम फिर टिकना कौन को 500 फिर दे के जाए कोई मंत्री आए वह सानू दे के जाए क्यों जो चर्च फायदे लेंदा तो चर्च नू देन दे की आ मंत्री नू क्यों लई आई किन्ने लोग सुन रहे मंत्री को नहीं लेना साढ़े भैन भरा ही देंगे इहो देंगे जिन्ना वरतना तो जो उत्ते हजार देंगे इतने 500 देंगे अद्धे ना को मिलावगा दरिया 8 खड़निया 30 रुपये दरिया का किराया उस हिसाब ना अद्धा किराया लवागा क्योंकि प्रभु का काम जिहड़ा तां मतलब मेरे भैन भरा कई गुस्से वाले कर सकते गुस्सा हो क्योंकि गुस्सा करनगे जो उन्होंने बुद्धि होगी ना पिताश गलत नहीं कह रहा जे रब के काम अं करते हैं हूँ यह साउंड जोड़ा चलिया किन्ने पैसे लगते हैं ये उधर भैन ने वेख्या इतने साउंड में अग लगी उन्होंने पूछो भैन हाँ बैठी जस
फिर इतने कल 4000 रुपया लगा कौन देन डे मैं कितों लिया डे मैं अपने बच्चों के मूँहों कट कट के अपने चर्च में वधिया कर डे भी इतने स्टेज होते आ हो फलाण हो टींग हो पर सपोर्ट किने करनी मैनू बोलो मंत्री ने प्रेयर मैं मंत्री की करदा कि ताड़ी करदा नौकरी ताड़ी करदा कि ओदी करदा थोड़ा जिहा गेम घटा दे हालेलुया समझ आ रही कि नहीं आ रही बुद्धिमान बच्चे बना बुद्धिमान जे रब दे घर दोगे तो सेम वापस नहीं जाओगे हुण इत्थे किन्ना दान उतना तो खर्चा किन्ना ही आपां कढ़ना नहीं चाहते जेब च 10 रुपये देने होगी भावें 2 साल बाद मैं चर्च दे देने दा ही आ तो फिर रब ने भी किन्ने देने उन्हें भी उन्हें की करने उन्हें भी उन्हें देने किन्ने लोग चर्च की सपोर्ट कर रहे हैं और एक वचन देखांगे अजरा की किताब सब को फर्स्ट अजरा पहला अध्याय देखो मेरे भैन भरा जो परमेश्वर ने कोरिस के राजा नु ब्लेस किया तो राजे ने दसा कि खुशी में जान के की बोलिया कि मैनू परमेश्वर ने धरती के सारे राज देते हर थां तो मैनू जिताया वा हुण प्रभु ने उहदे मन नू प्रेरिया कि जा यरूशलम में जाके तो प्रभु के घर नू की कर सारे बोलो प्रभु के घर नू बनाओ तो वेखो उन्होंने किदां रब का घर बनाया ਹਾਂਜੀ ਅਜਰਾ ਫਸਟ ਲੱਭਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਆ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੇ ਆ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ते प्रभु किन्ना दा सिखण वाले दा कि करण वाले दा बोलो प्रभु ने की आख्या यूहन्ना दी इंजील च प्रभु ने आख्या जदों यूहन्ना 8:31 पढ़दे आ प्रभु ने आख्या मेरे चेले ओ आ जिहड़े मेरे वचन ते की करदे आ मेरे वचन ते हालेलुया सब कोलों मेरे नाजरा दी किताब इहनू बड़े ध्यान नाल सुनना लिखे फारस के पातशाह कोरस के पहले वरे विच यहावा ने फारस के पातशाह कोरस के मन नू प्रेरिया कि यर्मिया के मुँह उचारिया यहावा का वचन पूरा होवे अते उन्हें अपने राज विच ये डोंडी पिटवाई ते लिखत विच भी दे दिता कि फारस के पातशाह कोरस एहो फरमाउंदा है कि आकाश के परमेश्वर यहावा ने धरती के सरबत राज मैनू दे दिते हन अते उसने आप मैनू तहत दिती है कि यरूशलम विच जा यरूशलम विच जो यहूदा विच है उहदे लई एक भवन बनावा सब बोले आमीन जोर दी बोलो आमीन हुण वेखो ये राजा वा इहनू की लोड़ है प्रभु का घर बनाउण दी हालेलुया मेरी सुनो ध्यान नाल गल इहनू की लोड़ है पर दस्या कि प्रभु ने जदों इहनू धरती दे सारे राज देते ते फिर इहदे मन विच पाया कि तू राजा बन चुका वा तू सारिया थावां तों राज मिल गया हुण तू यरूशलम विच जाके ते प्रभु का भवन की कर किन्ने लोकां नूं ये वचन की समझ लग रही है अज मान लो ये अपने घर बनाने साडा घर प्रभु बन जाए तो प्रभु का घर टुटा पवे कोई गलत नहीं हालेलुया की कर भाई तुम मेरे ध्यान दो तुम की गल्ला कर दे मगर वचन की समझ आ रही कि नहीं वो गुंगे बोलियो कोई रिस्पोंस ही नहीं देता अगे मूँह सब है जिदा उल्लू पाए होंगे जिदा उल्लू नहीं ना बोलता बोलो जी आवाज में समझ लग रही नहीं लग रही ताड़ी आवाज नहीं आउण दी तुम वेखी जाती तो डरे नहीं होंगे जिदा डर जाता बच्चा दुष्ट आत्मा तो बाद चुके बने वेखी जाता मैं तुहानूं ये पुछण दिया वा कि राजे नूं जदों प्रभु ने ब्लैस किया उस तो बाद प्रभु ने उहदे मन विच पाया कि तू यहूदा विच जा यरूशलम विच जाके तो मेरे वास्ते भवन की कर जे राजा मानता तो फिर असीं क्यों नहीं मानते समझ लगी कि नहीं लगी क्योंकि ब्लैस करन वाला कौन आ कल
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਆ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਨ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਐਨ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਓ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਕਲੀਸੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁਣ ਯਹੂਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਿਰਜਾ ਬਣਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਰਜਾ ਬਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਰੱਖ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕਰ ਜੇ ਕਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਵੇਚਤੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚਤਾ ਚਾਂਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਦੂਜਾ ਦੇ ਦੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਰਾਉਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੋਚ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸੋ ਸੋਚ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾੜੀ ਵਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਢਾਉਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਾਬਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਯਹਾਵਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀ ਆ ਇਹਦੀ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਆ 40 ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੀ 4 ਨੰਬਰ ਐਤ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਮਾਲ ਚਾਂਦੀ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾਲ ਦੇਣ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਸੋਂ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਲ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸੀਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
जिथे मर्जी चल जाओ, संत बदल दो, पर तुहानू बसंत टक्करनगे संत नहीं टक्करनगे। तुहानू छड्डियां चीजां कर ली फिर कहणगे भी आह करो, ये काम कर लो, कोई टेंशन डरन की लोड़ नहीं। समझ लें प्रभु करके जिते खड़े जे ते हर एक काम होता जे तुसीं नेचा कर रहे जी। हुण दो मिनट वचन तो बाद वेखो कितना धड़ धड़ गवाहियां तुसीं सुणदे किस तरह प्रभु दे काम तुसीं वेंदे। मैं तुहानूं पुछिया कि पहली सदी की कलीसिया की करती सी, एक भैन दसन दी कि अपना माल वेच के अपनी जायदाद वेच के तो एक दूजे की मदद की आ, ते सारे नू प्यारे, ते प्रभु दिनों दिन उन्होंने लोगों नू वधाई की आ। ते साडे लोगों नू तो पता ही नहीं पहली सदी कौन सी, कौन पता नहीं कौन सी। ए प्रभु यसु आने वाला ताड़ी की तैयारी आ, कितने की करन डे तुसीं बोलो, तुहानू ते पता नहीं। तीजे मूँह चुक के उदा संडे आ जांदे वी चल जाने आ, पास्टर हाथ मार दूगा शायद घाटी गली गल बानी जावे, चल कुड़ी फलानी नाल साइड हो सैटिंग चल हो ही जावे, जाने यार करके वे वधिया। बाबिया ने तो जोर नाला मार के उहदे माँ प्यो नहीं मन्निया, शायद उहनूं चर्च च जा के मन चल। सोच की है लोगों की बोलो। जकूब की पत्री जो चार अध्याय पढ़ते हैं बाइबल च लिखा तुसीं मंगदे हो पर तुहानूं बोलो, तुसीं बद नीति नाल मंगदे हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਛੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਸਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾ ਬਣੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ 8 ਦੀ 31 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਣਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡੱਫਰ ਬਣ ਗਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਇਤ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਵਚਨ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਟੋਪਿਕ ਕੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਡੱਫਰ ਆ ਡੱਫਰ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਚਨ ਯਾਦ, ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਚਨ ਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਚਨ ਕਿਹੜੇ ਡਿਆ, ਕੀ ਦਾਨ ਦੇਗਾ, ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਣਾ। ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਰਸੌਲੀਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕੱਪੜ ਕੱਪੜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੂਚ 23:25 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਹਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ, ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਖਟੂਓ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਪ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਖਟੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਦੀ ਬੋਲ ਬੋਲੋ, ਡੱਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਆ, ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਦਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਫਾਰਿਸ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਤਾਤੀਆਂ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਭਵਨ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਚਲੋ ਗੁੱਡੀ ਪੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੋ, ਜ਼ੋਰ ਮਾਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟਰ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਉਹਦੇ 2:42 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੀ, ਉਹ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈਆਂ, ਲੈ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀਤੀ ਆ
जो संसलूकिया पांच अध्याय पढ़ते उत्थे प्रभु ने क्या खोटिया नु की कर दो, खोटिया नु की कर दो, की कर दो, ठीक है खोटिया नु पढ़ लांगे ते वचन नु की कर दांगे, बोलो खोटिया नु पढ़ के जेब च पा लो ते वचन नु की कर दो छड्ड दो। केड़ी आत्मा कहे पढ़ने वास्ते? हाँ पढ़ बीमारी पै गई पास्टर जी करो दुआ, करो दुआ, हाय 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 मर चले पढ़ लो फड़ लो पढ़ लो बस आप कख नहीं करना। चर्च बदलती है यार बेइज्जती बड़ी करता, अगे कड़े नाम मिलना अगे भी बेइज्जती होनी अगे भी कुछ। हाँ जी हाँ जी ता यीशु ने उन्हें अपनी डायरी ते लिख लो जो सीखने जा रहे हैं। तुसी फॉलोवर बन के खुदा दा काम नहीं कर सकते, जिहड़े चेले आ प्रभु दे उही काम करदे। सिखो हुण वचन की कहिंदा, की कहिंदा चेलिया नूं? हाँ जी हाँ जी ता यीशु ने उन्हें यहूदियां नूं जिन्ना ओह दी प्रतीत कीती सी आख्या, जे तुसी मेरे वचन ते खलोते रहो ता ठीक तुसी मेरे नाल तुसी मेरे चेले हो अते सच्चाई नूं जाणोगे अते सच्चाई तुहानूं आजाद करेगी। आमीन आमीन। हुण तुसी बोलो कलीसिया की क्या की पढ़िया, तुसी बोलो, तुसी बोलो सच्चाई ते जानण दे सिर ध्यान कीता वे दे दिखनी डी सच्चाई कि नहीं है। मेरे जी साथियों वेखो अफसोस की गल आ, अपने जीवन च चाको प्रभु यीशु आने वाले आते ताड़ी थले तैयारी त्यूरी कोई भी लाड़ी शिंगारी आ कहदे ना प्रभु लाड़ी नू लैण आ रहे ना। चलो मंगेतर विच ते लाड़ी विच की फर्क आ दसो, एक मंगेतर हुंदी आ एक लाड़ी आ, इन्हां दोनों का की अंतर आ? जो 100 रुपया तू कट के रेड़ा दस देगा हूँ जना दसेगा मैं लैंड सिर लैने जो सारे अफसोस हो कर दे प्रोमिस मेरे ना। जिन्हों पता सिर्फ अपना हाथ दिखा एक भाई का हथ खड़ा गया। हाँ 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 जी दसो बोलिया सही पर कौन गलत गया वा बोलिया सही है नहीं। जो मंगेतर जो अंगेजमेंट होंगी ना आहो ठीक है जो अंगेजमेंट होंगी तो लाड़ी बन जाती तो मंगेतर घर चल जाती। जो बपतिस्मा लेने उदो साड़ी सिर्फ की होंगी आ अंगेजमेंट, तो जो परमेश्वर सानू स्वर्ग च लै जाएगा ना तो उदे लई लाड़ियाँ की आ अजे लाड़ियाँ अजे कोई लाड़ी लुड़ी नहीं हैगी अज लाड़ी नहीं मैनू लड़ाई लगती है लड़ाई लाड़ी नहीं कोई दसदी क्योंकि लड़ाई लाड़ी जिहड़ी आ वह बाइबल नू पढ़ती आ प्रेयर करती आ दूसरे दे मगर नहीं लगती। किन्नी वार आपां प्रभु दे वचन चों पढ़िया यहावा दी जिहड़ी भेड़ आ वह पराए दे मगर जांदी आ नहीं ते फिर जवाब तुहानू क्यों नहीं देने आउंदे पराए दी गल मन्नण दे शैतान ही नहीं चाहुंदा बाइबल ना पढ़ो। हुण इत्थे की लिखिया जिहड़े यहूदियां ने प्रभु नूं कबूल किया प्रभु ने की बोलिया कि जे तुसी मेरे वचन ते खड़े रहे फिर तुसी मेरे की जे हुण चेले कहड़े आ कला बपतिस्मा ले लिया ना आप बाइबल पढ़ते ना आप प्रेयर करते ना आप दान देंदे ना आप चर्च नूं सपोर्ट करते ना आप कुछ भी नहीं करते तो आप कहने हाँ जी हाँ जी असं भी चेले हाँ वो अपने तरीके ना चेले कहते हैं पर जो बाइबल नूं कढ़ के वेखोगे फिर तुहानूं आप पता लगू चेले असली कहड़े आ। आमीन चेले केड़े आ जिहड़े उहदे हुक्म दी पालणा प्रभु ने की बोलिया जिहदे कोल मेरा वचन मैं उहदे कोल ते जिहदे कोल वचन नहीं उह वी उहदे कोल फिर खाली आ। हालेलुया लागी समझ गई नहीं एक कह तौर पढ़ांगे आपां फिर इत्थे आवांगे ना
हालेलुया सब कोलो यूहन्ना दी अंजील उदा 15 नंबर चैप्टर उदी 10 हाँ जी लिखा जेकर तुसी मेरे हुक्मां दी पालना करोगे तां मेरे प्रेम विच रहोगे जिवें मैं अपने पिता दी हुक्मां दी पालना कीती अते उहदे प्रेम विच रहिंदा हां सब बोले आमीन हुण प्रभु दे हुक्म की आ दसो जी परमेश्वर दे हुक्म की आ लड़ना झगड़ना चर्च च नहीं आउणा बुरा बोलना पास्टर नूं गालां कढ़नियां इह परमेश्वर दे हुक्म बोलो जी सब तो पहला ध्यान दे के तुसीं बाइबल नूं पढ़ो क्योंकि प्रभु दे वचन च लिखा मंगण दी लोड़ नहीं मैं मंगण तो पहले की आ जानदा कि नहीं चलो मैनूं इह दसो कि जिहड़े प्रभु की सेवा कर रहे हो किस जगह ते होणगे तू दस सकदा जिहड़े प्रभु की सेवा कर रहे आ उह किस जगह ते होणगे तुसीं चर्च आ रहे तुसीं किस ते होवोगे पता तुहानूं पता भाई चलो ईमानदारी ना हाथ खड़े करो किन्ने रोज बाइबल पढ़ते हैं रोज जेड़े बाइबल पढ़ते हैं ईमानदारी ना किसी ने झूठ नहीं बोलना दसो किन्ने लोग जेड़े एक हाथ खड़ाया दो तीन चार पांच बस पांच ही बस चलो तुम दसो जेड़े भैन पिछली साइड से दो जन हाथ खड़े कर लिए प्रभु ने की बोले से अपने चेलिया कितने आवे आप हेलो इधर मेरा ध्यान दो अफसोस है कि नहीं जेड़ा बंदा बाइबल नहीं जानता की दान देगा की कटेगा घर के विचों क्योंकि उन्होंने समझ है ही पहले सीखो प्रभु के घर के विच आना तो सीखो करना कि तो बाइबल सिखाती है 12:26 आयत पढ़ांगे यूहन्ना 12:26 हुण ध्यान दे के सुनो जिहड़े खुदा की सेवा करते किस जगह ते होणगे हाँ जी हाँ जी जे कोई मेरी सेवा करे ता मेरे पिछे हो तुरे अते जिथे मैं हाँ मेरा सेवक भी उथे होवेगा जे कोई मेरी सेवा करे ता पिता ओह दा आदर करेगा किन्ने लोगों ने समझ लगी आ एक अल्लाह प्रभु यीशु नूं आख्या कि आपां नूं आख्या जे कोई टेबल ते बैठेगा एंट्री करेगा तो मेरा पिता दा आदर किया जे कोई इह जगह ते गाएगा गलती नहीं करेगा अच्छी नज़र च गाएगा तो मेरा पिता दा आदर किया समझ आई की करेगा मेरा पिता लिखा जे कोई मेरे पिता दी सेवा करेगा तो मेरा पिता ओहदा आदर एक जुत्तियां दे जोड़े जमा करता जे अच्छे तरीके नाल ड्यूटी करता तो मेरा पिता ओहदा की करेगा समझ आई अगे दान वाले आ गए जे कोई दान देवेगा चर्च नूं सपोर्ट करेगा चर्च नूं वड्डा करेगा जमीन लई बीज देवेगा तो मेरा पिता ओहदा आदर समझ आ रही कि नहीं आ रही लिखा जे कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पिछे हो तुरे जिथे मैं हाँ मेरा सेवक भी उत्थे की आ प्रभु साडा कित्थे आ दसो भैनो साडा परमेश्वर कित्थे आ ओह इत्थे ते हैगा पापा हाँ यस साडा प्रभु स्वर्ग विच आ ते जे असीं प्रभु दी गल मन्नांगे ते प्रभु ने आख्या जिथे मैं होवांगा ते मेरा सेवक भी उत्थे की आ उन्हें कली मेरी गल नहीं की उन्हें ताड़ी भी गल की आ जे तुसीं पूरे तनो मनो अपनी प्रभु दी हजूरी नूं फील करोगे आमीन समझ आई कि नहीं आई ठीक है फिर उस जगह आ गया हुण वेखो जदों भवन बनाया वा भवन बनाउण दे विच उन्हां ने की किया लिखो उन्हां ने अपने डंगर वेच दिते अपना सोना वेचता अपनी हर वह चीज वेच दिती ते प्रभु दे भवन च लिखा खुशी दियां भेटां देण लै के गया इधर मेरे नाल ध्यान दो समझ आ रही कि नहीं आ रही फिर तो पढ़ो एक बार चार आयत अते जे कोई किते रह गया होवे जिथे ओहदी वसो होवे तां उसदा थां दे के
ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾਲ ਦੇਣ। ਆਪਣੀ ਗਿਟਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਸੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਮਾਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਵਨ ਲਈ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਕੀ ਕਰਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ ਤਦ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬਰਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਾਮੀਨ ਦੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਤੇ ਜਾਜਕ ਤੇ ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਉੱਠੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭਵਨ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁ ਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਕੀਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਲੀ ਬੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਾਊਨ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਥੀ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਬਾਮੂਲੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਕੜੇ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਚਰਚ ਭਵਨ ਜੋ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਬੀਜ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤਬਲ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਧਵਾ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ, ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੰਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਪੈਰੀ ਆ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਬੁੱਧੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਹਾਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਸਥ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਣਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਣਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਣਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁੱਟਣਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਭ ਮਾਫ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਣਿਆਂ ਟੇਕੋ, ਗੁੱਟਣੇ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਗੁੱਟਣੇ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੋਰਿਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯਹਵਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨਫੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ
इकरार करता वा कि मैं तेरे घर नु सपोर्ट करांगा, मेरी सेहत ब्लेस होए, मेरी फैमिली ब्लेस होए, पर मेरे जीवन दे विच तुहाडा डर पैदा आए। पवित्र आत्मा जी, मैं अपने आप नु तेरे समर्पित कर दिया, मैं अपने आप नु तेरे सामर्थी हाथ विच देनी और देना। चकूर 516 दे नाल मैं इकरार कर दिया, ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं वचना दे चलन वाला जीवन मंगदी और मंगदा, प्रभु मेरे जीवन दे विच तुहाडी महिमा बड़े, मेरे जीवन थोड़ा चुक रख उतार, जिदा नॉर्मल पहले चल रहा सी कीबोर्ड दे नाल सब बराबर। थैंक यू जीसस। सब बोले पवित्र आत्मा जी। इब्रानियां 10:25 दे नाल मैं रिसीव कर दिया, कुछ ते 25 रिसीव कर दिया, परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह कर, थोड़ी ग्रेस मेरे जीवन का हिस्सा बने, पवित्र आत्मा टच करे मेरे जीवन दे अंदर, जो भी पाप आ मेरे जीवन नु छड़ के चला जाए। जकूब 5:16 दे नाल तुहाडे वचन च लिखा, तुसी आपस विच अपने पापां दा इकरार करो, प्रभु इसी माफी मांगदे आ। अगे तो असीं वफादारी नाल चलांगे, बाइबल पढ़ांगे, प्रेयर करांगे, अपनी मर्जी नहीं करांगे। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀ ਆਮੀ ਆਮੀ। ਸਭ ਜਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੀਜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਜੋ ਬੋਦੇ ਉਹ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚਰਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ